हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स पॉइंट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आइए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं हम कुछ यूजीसी कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि 8 जुलाई 2018 के एग्ज़ाम में आए हैं। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले 16 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ इनकोरेक्ट टू शो द इंटर रिलेशनशिप अमंग द प्राइस इलास्टिसिटी कॉफिशेंट। तो ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन सेट हुआ है इकोनॉमिक्स के, और इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो एक करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, तो सेकंड आपको मार्क करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन वन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हेन लेबर इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड द कैपिटल इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, तो आइसोक्वेंट इज प्रिपेयर्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ओनली ए स्टेटमेंट दैट इज़ फॉल्स, बाकी दोनों की स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो इसलिए थर्ड जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में डिस्कस किया गया है। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है जब हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसके कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैच द कॉलम है और जो ए ऑप्शन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसको मैच करना था हमने सेकंड के साथ, यानी कि मींस लोअरिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन द बल्क। तो देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब मिलती है, जब हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब हो गया विद इन द कंपनी, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द फर्म। साइज ऑफ द फर्म एक पर्टिकुलर फर्म को ही इफेक्ट डालेगी, तो इंटरनल इकोनॉमीज इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर टोटल मैं देखूँ तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ फर्म दैट प्रोड्यूस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन अडॉप्ट विच वन ऑफ द प्राइसिंग पॉलिसी। तो यहाँ पर गोइंग रेट प्राइसिंग पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट सारी फर्म्स जो हैं एक जैसे ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ पर आपको गोइंग प्राइस को ही फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज आप मार्केट में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट के। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आप एक ही साथ अपलोड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैं कोई जल्दबाजी नहीं चाहती, जल्दबाजी में गलत आपको बताने से अच्छा है कि धीरे धीरे हम अपलोड करें, और ये मैं बाकी जो टीचर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके ही अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट 43rd जो है वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में से लिया गया है, यानी कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, इसकी चार अप्रोचेज है, चार थेरीज है, और ग्रोस प्रॉफिट अप्रोच नहीं होती, तो ए ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ द कैपिटल बजटिंग एज्यूम दैट कैश इनफ्लो आर री इन्वेस्टेड। देखिए फ्रेंड्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी री इन्वेस्टेड होता है, लेकिन वो मार्केट रेट पर री इन्वेस्ट किया जाता है। जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वही हम प्रोजेक्ट रेट और इंटरनल रेट दोनों का मतलब एक ही है, तो थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में से है, अगेन एफएम में से। अगेन इस बार 5 क्वेश्चन सेट हुए थे एफएम से, अगर आपके सही होंगे तो आप आसानी से 10 मार्क्स जो हैं लेकर जा सकते हैं, और काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, कहते कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसको ज़्यादा कॉस्टली क्यों माना जाता है, क्योंकि रिस्क जो है ना
होगा वो ज़्यादा एसोसिएटेड होता है इक्विटी शेयर्स के साथ। अगर प्रॉफिट हुआ तभी सिर्फ इक्विटी शेयर्स को पैसा मिलेगा, अदरवाइज उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रिस्क लेवल किनके लिए हाई है? इक्विटी के लिए रिस्क हाई है, इसलिए ही ज़्यादा वो कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है? फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, उन्होंने बिल्कुल ना ऑपोजिट लिख दिया। वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर हमारी ग्रोथ फर्म होती है, ग्रोथ फर्म का मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न अर्न कर रही है, तो उस केस में कंपनी रिजर्व करके रखेगी, रिटेन अर्निंग्स करके रखेगी, उस केस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो सेकेंड जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं और वीडियोस भी अपलोड करूँगी।